अर्श की बात है, खुशी की बात है जो बॉर्डर तोड़ के लिए, तो जो हमारा बरसों का सपना जो साकार होने जा रहा था, होने जा रहा है। हमारे जो पावर रिसीविंग स्टेशन का काफ़ी बेसब्री से लोगों का इंतजार था, और आज वो खत्म होने जा रहा है। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय अश्विनी कुमार शर्मा जी और पूर्व विधायक श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी, उनके हाथों से हमने सुब्रह मुझे कराया है। हमारे साथ म्यूनसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन, कॉर्पोरेटर, सीनियर सिटीजन और ये भाजपा की मंडल की टीम, ये सबके मिलके जिन्होंने इनॉग्रेशन की है। आज मैं सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने पीएम पैकेज फंड से अपना जो 4.5 करोड़ की राशि जो इस बॉर्डर टाउन के लिए दी। मैं सभी को हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूं। ये हमारे किसान भाइयों की भी ये परेशानी है, इनसे खत्म होगी, जो लाइट आएगी, जो हमारे टेल एंड का एरिया पड़ता है हमारा, जो हमारा किसानी क्षेत्र के लिए जो पानी की दिक्कतें काफी होती थी, और इसकी वजह से ये बहुत दिक्कतें जो हल होंगी। और आज मैं REC को भी मुबारकबाद देता हूँ और अपने LNT के जो अपनी कंपनी जो काम कर रही है उनको भी मुबारकबाद देता हूं और सभी को हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, विकास की रथ को जो गति इन 8 सालों में मोदी सरकार ने दी है, मोदी जी ने जिस तरीके से पूरे देश में तरक्की की राह पर आगे बढ़ाया है, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस अरनिया बॉर्डर टाउन में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो आज यहाँ उसका फाउंडेशन रखा है, जहाँ के म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कॉरपोरेटर्स और हमारे जितने भी जहाँ प्रमिनेंट लोग हैं, सब ने मिलकर इसका नींव पत्थर रखा है। ये 3311 KV 2x10 MVA ये रिसीविंग स्टेशन यहाँ जिसका फाउंडेशन रखा गया है, ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी यहाँ इस एरिया के लोगों की। ये बहुत बड़ा बॉर्डर टाउन है अरनिया, हमेशा यहाँ बिजली की प्रॉब्लम रहती थी। मोदी सरकार ने जिस तरीके से हर सेक्टर में अर्बन एरिया के साथ साथ रूरल एरिया पर भी फोकस किया है, उसी के चलते प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज में ये प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन हुआ था। आज REC जो यहाँ का है वो उसके कोऑर्डिनेशन से यहाँ LNT कंपनी जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है। मुझे खुशी है कि हम सब जहाँ आए हैं, ये जब मैं लेजिस्लेटर था उस टाइम की लोगों की डिमांड थी, तो आज मोदी जी की सरकार जो पूरे देश के अंदर, चाहे वो R&B सेक्टर हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, हर सेक्टर में लाजवाब काम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो रेलवे के एयरपोर्ट्स जो अड्डे बन रहे हैं, ऐसे ही एजुकेशन में IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस, ये सब एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तर्ज पर जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी 2 एम्स जो सैंक्शन हुए थे, उन पे भी बड़ी तेजी से काम जो है विजयपुर में हमारे इस स्टेट में जो है वो चल रहा है। मुझे खुशी है कि आज मोदी जी के सरकार के 8 साल पूरे होने पर आज ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, लगभग 4.5 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट जो है, जो यहाँ अरनिया और अडजाइनिंग जितना भी एरिया है, 2x10 MVA, मैं समझता हूँ कि 20 MVA का जो रिसीविंग स्टेशन है, काफी सारा बेनिफिट जो है इस एरिया के लोगों को मिलेगा, और ये काफी लोगों की पेंडिंग डिमांड थी। तो मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जो पूरे देश में पूरी, मैं समझता हूँ, एक बड़ी बड़ी खुशी की लहर है कि बहुत बड़े 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 मुद्दे थे उनको सुलझाया मोदी जी ने, 370-35 और निरस्त किया, राम मंदिर का निर्माण किया, 3 तलाक कानून को पास किया, और बड़े बड़े ऐसे अनसुलझे मुद्दे थे उनको सुलझाया।